कि आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक विंग है राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना, और राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना में जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, जो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 या 20 साल के नीचे और 10 साल के बीच के जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उनको हम राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना के माध्यम से उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, देने की तैयारी में हैं, क्योंकि उनके दादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनके बाप भी 95% अशिक्षित थे, उनको खुद नहीं पता है कि हमको सिपाही बनना है तो हमको क्या क्या करना चाहिए, हमको दरोगा बनना है तो क्या करना चाहिए, हमको इंजीनियर बनना है तो क्या पढ़ना चाहिए, हमको डॉक्टर बनना है तो क्या पढ़ना चाहिए, हम अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो हमको किस तरह से बिजनेस शुरू किया जाए, इनको पता नहीं है। तो अब हम राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना के माध्यम से इनको इकट्ठा करके इन नौजवानों को, जो हमारे पास रिटायर्ड लोग हैं, चाहे वो मिलिट्री के कर्नल हो, चाहे सूबेदार हों, चाहे रिटायर्ड IAS IPS हों, और चाहे रिटायर्ड वाइस चांसलर हों, ये तमाम लोगों के माध्यम से हम इनको ब्लॉक वाइज ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि भाई आप इसको ट्रेनिंग लो, और आप देश और प्रदेश के विकास के लिए जो बेरोजगारी चरम पे है उसको दूर करने के लिए इनको हम ट्रेनिंग देने की तैयारी करा रहे हैं। राम मंदिर को लेके कुछ पार्टियां लगातार राजनीति कर रही थी पिछले कई दशकों से, राम मंदिर का भूमि पूजन हो गया, अब आगे क्या रणनीति रहेगी ऐसे लोगों की? देखिए, भगवान राम तो एक बहाना है बीजेपी के लिए। आपने देखा होगा कि जो मैंने देखा चैनलों पर, जो मैंने देखा कि भगवान राम को एक बच्चे के रूप में दिखाया गया और मोदी जी को ही भगवान बना दिया गया वहाँ, और मोदी जी भगवान राम को उंगली पकड़ा करके ले जाते हुए दिखाया गया जो चैनल पे, और पूरे कार्यक्रम में वहाँ भगवान राम की चर्चा ना होके बल्कि सिर्फ मोदी की चर्चा थी। जब भी मंदिर की फोटो टीवी पर आई तो उस फोटो में भगवान राम का, राम की फोटो नहीं बल्कि मोदी जी की फोटो दिखाई गई, और वो सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू था। बीजेपी को राम से मतलब नहीं है, वोट से मतलब है। ये कानून को मानने वाले लोग नहीं हैं। अगर ये कानून को मानते, भगवान राम से प्रेम होता, तो जिस तरह का भाषण वहाँ हमने सुना मोहन भागवत जी का, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, भाषण तो बहुत अच्छा दिया लेकिन उसको फॉलो करने के लिए 0% भी नहीं। मोहन भागवत जी ने कहा कि देश में समानता होनी चाहिए, जुटता होना चाहिए, भाईचारा, प्रेम, यही राम राज है, लेकिन यही बीजेपी हिंदू मुसलमान करके नफरत पैदा कर रही है, यही बीजेपी पूरे देश में नफरत पैदा करके आपस में लड़ाने का काम कर रही है। भाषण तो बहुत अच्छे दे रहे हैं, अब आगे इनका रोल होने जा रहा है। आपने सवाल किया कि इनका आगे क्या रोल होगा, अब आप देखिएगा। मैं 3-3.5 महीना पहले मैंने आगाह किया था कि चुनाव आ रहा है बिहार का, बंगाल का, अब किसी न किसी देश से हमारे जवान शहीद होंगे। आपने देखा कि लद्दाख में चीन के हमले में हमारे 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब पुलवामा घटना होती है, पुलवामा घटना पे पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, और वहीं जब चीन हमला करता है तो चीन में सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए इन पे पाबंदी लगी है, चीन में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हो सकती। देश के प्रधानमंत्री या तो झूठ बोल रहे हैं या तो देश के रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं। रक्षा मंत्री का बयान आ रहा है कि भारत के अंदर चीन की सेना घुस गई है, और प्रधानमंत्री जी के बयान आ रहे हैं कि हमारे न तो कोई चौकी चीन के कब्जे में है, न हमारी जमीन पर कोई है, और न हमारी सेना का कोई जवान पकड़ा गया, और झड़प में लोग मर गए। चीन ने हमला किया, 20 जवान शहीद हो गए, 10 लोग पकड़े गए, वो छोड़े गए 3 दिन के बाद। उसके साथ साथ आप लोगों के चैनल पे ही चला कि 1.5 किलोमीटर पीछे चीन की सेना हटी, इसका मतलब कि भारत 1.5 किलोमीटर चीन में कब्जा कर लिया। ये सरेसर देश के प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, इनका बयान क्यों नहीं आ रहा है? चीन से इनका क्या लगाव है, क्या दोस्ती है? 20 जवान शहीद हो गए तो वह सर्जिकल स्ट्राइक चीन में क्यों नहीं? ये चीन के साथ अमित शाह जी के बेटे का
कारोबार का संबंध है, चीन के साथ अजीत डोभाल के भाई और उनके बेटे का संबंध चीन के कारोबार में है, और तो और चीन से मोदी जी का जब ये मुख्यमंत्री थे तब खेलकूद की यूनिवर्सिटी इन्होंने गुजरात में खोला, तो चीन से इन्होंने सहयोग लिया और सहयोग लेकर के तब से इनका चीन से संबंध है, इस नाते ये नहीं बोल रहे हैं। चीन को अभी इन्होंने 151 ट्रेन चलाने की दे दिया, बेच दिया ट्रेन चीन को, इन्होंने 5.6 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए टेंडर दे दिया चीन को, इन्होंने सुरंग बनाने के लिए जो हमारी मेट्रो है उसकी सुरंग बनाने के लिए इन्होंने दे दिया चलाने के लिए, और एक तरफ कहते हैं कि चीन का जो है टिक टैक बंद कर दिए, क्या बंद कर दिए, आप देश के उपभोक्ता बाजार में जो चीन का बना हुआ माल बेचने का लाइसेंस दे रखा है उस लाइसेंस को जब तक आप निरस्त नहीं करोगे तब तक चीन आपके देश में माल बेचता रहेगा, आप करोड़ों लोगों को बेरोजगार बना करके आप घुमाते रहोगे। नेताजी देश में हर चीज की चर्चा हो रही है, राजनेता चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन कभी मुद्दों की चर्चा नहीं होती, बेरोजगारी की, सड़क की, बिजली पानी, ये चीज़ें सिर्फ चुनाव में दिखती हैं, उसके बाद कभी नहीं दिखती हैं। देखिए दुनिया करे ना करे, मैं सत्ता में था, बीजेपी के गठबंधन में मैं मिनिस्टर था, तो मैं सत्ता में रह करके शिक्षा के सवाल पे, स्वास्थ्य के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे, हम बराबर किसानों के सवाल पे, नौजवानों के सवाल पे सरकार से लड़ते रहे जो आप लोग चैनल पे दिखाते रहे। हम सत्ता में इसी वजह से उनको साथ छोड़ दिए कि वो सिर्फ हिंदू मुसलमान बना करके नफरत पैदा करके देश की संपत्ति वो बेच रहे हैं, जो उन्होंने वादा किया था जनता के सामने कि 15-15 लाख रुपया देंगे वो भी नहीं दिया, उन्होंने वादा किया कि 2 करोड़ नौकरी हर साल हम रोजगार देंगे वो भी नहीं दिया, महंगाई कम करने की बात किया था नहीं किया, तमाम चीज़ों को लेकर हम उनके साथ इन्हीं सब चीज़ों को लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी को लेकर लड़ते रहे। वो उद्योगपतियों का, गुजरातियों का 68,607 करोड़ रुपया जब कर्जा माफ किया तो मैंने कहा कि आज घरेलू बिजली जो बल्ब और पंखा चलाते हैं इनके घरेलू बिजली को आप माफ कर दो, जब उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रहे तो इसको भी माफ कर दो। आपने 90,000 करोड़ रुपया जब विद्युत विभाग को किस बात के लिए दिया, क्यों आपने उसको दिया? आज बुनकर समाज है, आज बुनकर समाज के ऊपर जो उनके कारोबारी हैं बुनकर, बुनकर में कोई मुसलमान नहीं है, उसमें हिंदू भी है, सिख भी, ईसाई भी है, जैन भी है, सभी गरीब कमजोर लोग उसमें काम करते हैं जो उनके मालिक लोग हैं। आज लॉकडाउन आपने जारी किया लेकिन आप बिजली का बिल उसका माफ नहीं किया, आपने उसको कोई सहयोग नहीं किया, जब वो माल कोई ऑर्डर ले लिया, माल खरीद लिया, कच्चा माल तैयार कर लिया तब तक लॉकडाउन हो गया, आज वो भी भुखमरी के कगार पर है। तो इनका ध्यान सिर्फ समाज को बांटने में है और देश कैसे एकजुट रहे, देश को रोजगार कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले, शिक्षा कैसे मिले। अभी तो मैंने इनकी शिक्षा नीति को देखा, मैं तो पढ़ा थोड़ा सा, अब प्रौढ़ शिक्षा चलाने जा रहे हैं, मतलब कि अब जिनकी उम्र 60 साल है उनको भी पढ़ाया जाएगा, वो पढ़ लिख करके अब वो कारोबार करेंगे, वो सिपाही दरोगा अब बनेंगे, ये ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, ये शिक्षा लागू करने जा रहे हैं। तो इनकी शिक्षा नीति से गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, जो वंचित समाज है, जो वो गरीब बेदम तंग हो जाएगा, वो शिक्षा नहीं पा सकता है।